करने वाली भैया आज बाइटिंग और इन्हें मिला है कुछ 55-56 रन का टारगेट। हम देखते हैं क्या ये उस टारगेट को चेस कर पाएंगे कि नहीं, ये तो वक्त बताए। पर अभी हम देखिए देखना होगा क्या गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंद की कोशिश करेंगे। इस इंडिया मैच जीत गया प्लीज, मैं आपको कसम से नहीं दे रहा हूँ, कुछ ऐसा भी नहीं बोलूंगा। अगर कोई वीडियो चले तो दर्शकों में किसी को लेना पड़ेगा ये कैच। लाइक की बात पे यहाँ पे छक्का जट गया जा रहा है। अगर आप कर दोगे क्या ही बवाल मचा देंगे ये लोग देख करके। तो देखो यार एक बार मजा आएगा आपको भी। कितने मीटर का 81 मीटर को छक्का जड़ दिया है। और वैसे भी अभी आईपीएल में बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छा रन रेट मेंटेन किया अब तक। ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच देखने का मजा कुछ और है। मैंने नहीं सही वाला देखो भाई यार, तुमने लगता लाइक बैर फॉर्म बिगड़ गए केएल भाई की। आईपीएल में तो चल नहीं है, जहाँ चल रही है वहीं पर देख लो यार। बल्लेबाज जरूर पिछली गेंद के बारे में सोच रहे होंगे। आईपीएल में फॉर्म चल रही, जहाँ चल रही वहाँ चला। देखो मजे करो, मौज मजा। ये और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना यार, फिर इतनी आगे आ ही चुके हैं हम। दिक्कत किस बात की ब्रो, चैनल को सब्सक्राइब भी तो कर दो। 80 मीटर का 80 मीटर का हाँ ठीक है 77-80 बात एक है। 10-57 जाओ यार, तुम लोग नहीं समझोगे तो कौन समझेगा भाई। 80 मीटर का एक नापाक छक्का यहाँ पे। ओ बहुत ही बेकार कोशिश नहीं करी, बहुत अच्छी कोशिश करते हुए यहाँ पे। पर अफसोस ये कमर के ऊपर जाती हुई बॉल एक बाउंसर जा चुकी है। अब देखते हैं पैट कमिंस क्या कम करेंगे, अभी ओवर कम करेंगे, कुछ और कम करेंगे या फिर रन कम करेंगे। और फिलहाल तो हम नो बॉल करेंगे क्योंकि बेबी जी उनको नो बॉल पसंद है। नो बॉल क्रिकेट की अच्छी कोशिश उठाने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज, ऐसा कह रहा होंगे वो। और ये एक और नो बॉल, जी हाँ बढ़िया कैच पर कोई फायदा नहीं। कैच करवाई तो कैच और मैन ऑफ द मैच बन जाती, पर फायदा नहीं। मैन ऑफ द मैच तो भाई जीतने वाले कैच ऑफ द मैच तेरे नाम, मैन ऑफ द मैच हमारे नाम। ठीक है चलो ठीक है चलो, हमने जो उखाड़ सके उखाड़ लिए। चलिए देखते हैं क्या बल्लेबाज इस फ्री हिट को कैश इन कर पाएंगे। पैट कमिंस की नोबॉल की स्ट्राइक्स के बाद अब फाइनली नोबॉल का सिलसिला हुआ खत्म। और फ्री हिट का घंटा कुछ निशान है और मिशेल स्टार्क आ चुके हैं अपना दूसरा ओवर डाल, मतलब अपना पहला ओवर इनिंग्स का दूसरा ओवर डाल। और सामने है रोहित शर्मा द हिटमैन मरी, और वहाँ पे ही जोर दिया है इन्होंने इसके अंदर से छक्का कर दिए फिर की हक बक। और यार मैं एक सोच रहा हूँ यार, हर आईपीएल का मौसम चल रहा है यार, तो इसी बात पे हर वीडियो में यार एक आईपीएल का सवाल पूछ रहा हूँ। तो हम यार कौन सवाल का जवाब सही देता है, तो आपके सवाल है इस सीजन में अब तक का इस सबसे लंबा छक्का कितने मीटर का लगा और किसने मारा है यार। और वो बात अगर आप बता दें तो मतलब समझ जाइए यार, क्रिकेट के आप डाई हार्ड फैन हो और आईपीएल को आप दिल से देख रहे हो यार। और नीचे पे अपनी फेवरेट टीम तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और फिलहाल रोहित शर्मा का खेला देखिए, सिंगल पे निपटा दिया है और काम चल जाएगा। और इसी के साथ 27 रन का आंकड़ा पूरा करते हुए मात्र कुछ पल और दूर अपनी जीत से, क्या ये जीत अब तब्दील कर पाएंगे रन को जीत में। फिलहाल तो संघर्ष की राहों में चलते हुए भाग रहे हैं आगे की तरफ को। लेट्स सी ये क्या उखड़ पाएंगे या खुद उखड़ेंगे, ये तो वक्त बताएगा।
पर फिलहाल तो ये खा रहे हैं, तो पावर के प्ले लिए। में ही जड़ दिए भाई 31 रन अभी तक, 1.5 ओवर्स, यहाँ बॉल 31 रन, खुली 3 बॉल पर ओवर के हिसाब से खेला जा रहा है यहाँ पर मामला। जड़ दे भाई छक्का चौका कुछ, जड़ दे दिखा कमाल, ये सुल्तान करवा ले चढ़ाई। ओ ये गेंद अब एक चढ़ाई करवानी थी खुद ने भाई, क्या ही मारा है बंदे ने, मतलब मजा आ गया। बॉल मुंह पे लगने के बाद शॉट मार रहा है, ये पागल है, पागल ही है। ऐसा भाई खेला सही है, 30 रन का योगदान दिए। बल्लेबाज जरूर पिछली गेंद के बारे में सोच रहे होंगे। हाँ यार ठीक है, 20 रन का हो जाती कभी कभी देखने में थोड़ी बहुत गलतियाँ। रोहित शर्मा को सिखाओ खेलना है, खिलवाड़ नहीं करवाना है अपने साथ, क्या कर रहा है ये लौंडा। पिछली गेंद पे बड़े खेलना है तो ढंग से तमीज से तहजीब से खेलो यार, खेल 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 खेल। उसी के साथ दूसरा रन इस ओवर का, इसी ओवर पे दोनों रन आ चुके हैं, ये कहने का मतलब है नहीं। साझेदारी काफी सही जम चुकी है अभी तक, अच्छा विकल्प होगा। एक साझेदारी थी गायकवाड़ और कॉनवे की, दूसरी साझेदारी है टैगर प्लस से विराट कोहली की, तीसरी साझेदारी बनेगी ओपनिंग। लेकिन मन के भी कुछ फायदा नहीं है भाई, 50 टोटल रन बनाने हैं तो क्या ही कर पाएंगे यार। साझेदारी विराट कोहली का हो चुका है यहाँ पे आगाज, देखते क्या ये चलेंगे आरसीबी के मैच की तरह कि नहीं, ही तो बताएगा वक्त। अब बनते हैं थोड़े सख्त और खेलते हैं भाई लंबे लंबे सख्त। और भाई इस कमले में तो केएल राहुल चल रहा है, नहीं दौड़ रहा है, जो करना है वो कर रहा है, पैसे लगा मेरा रब पतना है, इस पिच पर पतना है। हाँ भाई बताओ यार कैसा लगा, जंपा बाबू आए हैं यहाँ पे विराट बाबू को बॉलिंग कराना, देखते हैं क्या उखाड़ पाएंगे हमारा, क्या उखाड़ लेगा ये। हवा में गई है, पहली बॉल पे ही खा लिया ना, दो रन का फटका है ना, खा लिया ना दो रन का फटका पहली बॉल पे, क्या उखाड़ लिया इसने, घंटा कुछ नहीं। चल चल आगे बढ़, दूसरी बॉल छक्के के लिए बिल्कुल नहीं जाते हुए यहाँ पे, क्या कर पाएंगे, क्या हो सकता है इनके साथ, ये तो वक्त अभी नहीं मैं आएगा, कंट्रोवर्सी में फंस के नहीं जाएगा। और यहाँ पे दोबारा से दो रन का शॉट ले जाएगा क्योंकि अपना टाइम भी आएगा, जल्दी जल्दी मैच को निपटाना यार। यार हम एक मिनट में आते हैं, जब तक ये मैच कंटिन्यू रहेगा हम एक मिनट में आएंगे, ठीक है ना। ओके दो दो मिनट की मैच, एक मिनट में आ रहे हैं। शॉट पर नियंत्रण नहीं रख पाए बल्लेबाज, अच्छा थ्रो फील्डर का, तेज और बिल्कुल ठिकाने पे। खूबसूरत शॉट चार रन के लिए, और ये गेंद हवा में आसानी से खेला एक रन के लिए, काफी मेहनत करनी पड़ी ये थ्रो कलेक्ट। हाँ तो हम लोग जॉस हेजलवुड आ चुके हैं आखिरी ओवर डालने, एक बहुत ही इंटेंस ओवर, 11 रन चाहिए इस ओवर में, लेकिन 12 रन चाहिए। और भाई केएल राहुल ने तो क्या ही दिक्कत है यार, पहले बॉल पर छक्का, चाहिए 5 बॉल में 6 रन, मतलब मैच हो चुका है ऑलमोस्ट खत्म, नो मोर नीड टू लाई जस्ट फ्राई। क्या ये आखिरी बॉल होगी,
क्या ये आखिरी बॉल नहीं होने वाली? ओ चूक बाल बचे गई यहाँ पे। बल्लेबाज बेहतरीन गेंदबाजी 15 बॉल 33 रन 16 बॉल, गेंदबाज आज अच्छी 200 लय के में लग ऊपर के रही है। स्ट्राइक क्या ये रेट विकेट ले हो रहे पाएंगे? हैं देखते बंदा हैं। भाई ये क्या है खतरनाक मार। क्या ये आखिरी बॉल होगी? एक और मिस गेंदबाजी शॉट, कर रहे हैं गेंदबाज। और कितना तड़पना पड़ेगा यहाँ पे। अभी भी 6 रन चाहिए हमें जीत के बड़े लिए। शॉट मारने के पहले एक बल्लेबाज छक्का को पिच दूर, पर 3 बॉल 6 रन, 200 के पहुंचना स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा। एक छक्का दूर यहाँ पे, क्या ये होगा? जी हाँ, यहाँ पे केएल पड़ेगा। राहुल बल्ले ने के बीच जड़ से दिया जिंदा जाएगा, शानदार बल्ले से छक्का। जिंदा गिरेगा। 18 बॉल 39 रन, 200 के पास स्ट्राइक रेट से भाई सीरीज को जीता दिया है केएल राहुल ने। तो दोनों बल्लेबाज आज एक की दूसरे की वीडियो जगह को बस पर इतना देखे ही, हुए नाम कर अपनी सीरीज टीम की हमने किसी दोनों मना जीत किए चुके हुए। हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड 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 क्या ही खतरनाक मैच था भाई। और अब वक्त आ चुका है भाई द मैन ऑफ द मैच चुनने का, जो ऑफकोर्स के एल राहुल ही होने वाले हैं। आजा भाई क्या हुआ? ये तो एक दो मिनट टेक्निकल इशू है थोड़ा, वो सेट करते हैं। हाँ ये हो चुका है मैच शुरू, ये चेक दो और निकलो। हाँ तो भाई आज के वीडियो को सोचते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे मेरे सवाल का जवाब देना मेरा दिल गया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।